हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। ये ज्योतिर्लिंग दो पार्ट में डिवाइड है, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। दोनों को मिलाकर एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पहले ओमकारेश्वर के दर्शन होते हैं, फिर ममलेश्वर के दर्शन होते हैं। तो अब मैं निकल चुका हूँ ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। आज मैंने ये टी शर्ट पहनी है जो मैंने उज्जैन से ली थी। चलते हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। सामने है ओमकारेश्वर महादेव। नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं और नदी के इस साइड पर वो जो शिखर दिख रहा है वो है ममलेश्वर महादेव। नीचे बोटिंग चल रही है, काफी तेज बहाव है नर्मदा का। हर हर महादेव। झूला पुल पर ही बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। मुझे अभी तक पता चला है कि उस ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने देते हैं। यहाँ पर लाइन लगी हुई है लेकिन एंट्री यहाँ से नहीं होती। आपको पूरा ऐसे नीचे से घूम के आना पड़ेगा। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए ओमकारेश्वर महादेव के। काफी भीड़ थी, काफी टाइम लगा, लेकिन जब दर्शन हुए तो बहुत ही अच्छा लगा। जल अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया, बहुत अच्छा लगा। और इसी मंदिर परिसर में ऊपर महाकाल मंदिर था, वहां पर भी दर्शन किए। और अब हमें जाना है ममलेश्वर महादेव पर दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी तेज बारिश हो रही है। थोड़ा सा बोट राइड करके जाएंगे उस पार, लेकिन अब ये जो पुल बना हुआ है झूला पुल, इसी से पार करते हैं। देखते हैं बारिश कितनी देर में रुकती है या फिर कुछ शेड होगी, तो उससे होते हुए जाएंगे ममलेश्वर महादेव, वहां पर दर्शन करेंगे। यहाँ सबने प्रसाद लिया था। नर्मदा नदी में बहुत सारे शिवलिंग निकलते हैं, शिवलिंग की शेप कैसे यहाँ पर वो भी मिलते हैं। आप ऐसे करके इनमें लगा सकते हो शिवलिंग जैसे लगे हुए, हर साइज के शिवलिंग मिल जाएंगे। सुबह के 10 बज रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने भैया से पता करा था तो वो कहते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ स्टे नहीं करते हैं, जो होटल वाले भैया हैं वो बता रहे थे। तो उज्जैन से दर्शन करने के बाद यहाँ पर आते हैं काफ़ी लोग। तो वहाँ से अगर 7-8 बजे भी निकलते हैं तो 11-12 बजे के बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है शाम को 5 बजे तक। तो आप जब भी कोशिश करें थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत समय लगता है दर्शन करने के लिए। मैं झूला पुल से बाहर आ गया हूँ और ये रास्ता ममलेश्वर महादेव का। भैया ने सही बताया था, यहाँ पर पूरा शेड बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं कितनी भी बारिश हो। यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं। हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। यहाँ पर ये विभक्त होकर अलग इसलिए बनाया था क्योंकि पहले नर्मदा पर पुल नहीं थे तो उधर लोग दर्शन करने नहीं जा पाते थे। इनके दर्शन से ओमकारेश्वर के दर्शन हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। अब पुल बन गए हैं तो ज्यादातर लोग उधर ही दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। 10 मिनट लगे सिर्फ दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, यहाँ पर भीड़ नहीं थी, आराम से जल चढ़ाया सीधा शिवलिंग के ऊपर। बाहर आ गए हैं, बाहर आके अब मैं जा रहा हूँ नर्मदा नदी के तट पर।
टाइम हो गया है 10:45। 11 बजे का मेरा चेकआउट है होटल से। अभी मैं जा रहा हूँ होटल। बैग उन्होंने कहा था हम रख लेंगे, आप बस रूम खाली कर देना। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बस ओमकारेश्वर मंदिर में बहुत भीड़ थी, बाकी सब जगह शांति है एकदम। जैसे ही मैं होटल में पहुंचा, बारिश एकदम से तेज आने लग गई थी, तो मैं होटल में ही रुक गया था। 12 बज गए हैं, बारिश रुक गई है। बैग मैंने भैया के वहीं रखवा दिया है होटल में ही। अब मैं आया हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए, खाते पीते हैं फिर चलते हैं खंडवा की ओर। वहाँ से आज रात की हमारी ट्रेन है। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पे एक ब्राह्मण भोजनालय है, आलू के पराठे खाए थे मैंने। अब मैंने अपने होटल से बैग ले लिया अपना और मैं जा रहा हूँ खंडवा के लिए। तो अभी मेरे को यहाँ से पहले ओंकारेश्वर में जो बस स्टैंड है वहाँ पर जाना है। बाहर से ऑटो चलते हैं, यहाँ से ऑटो लेके बस स्टैंड पर जाते हैं, तो वहाँ से चलते हैं खंडवा। ये एग्जिट गेट है, रास्ते में नींबू शिकंजी वाला मिल गया तो मैंने कहीं थोड़ा शिकंजी पी ले हम भी। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा बस स्टैंड पे, खंडवा की बस लगी हुई थी। अब बस में बैठते हैं और चलते हैं खंडवा। गाइस 2:45 हो रहे हैं और बस चल चुकी है, और लिटरली बस में सिर्फ मैं हूँ। अभी कोई ही नहीं है, यहाँ से बस खाली चली है। बस के चलने का टाइम हो गया था, बस ड्राइवर है और कंडक्टर भाई है, इसके अलावा सिर्फ मैं हूँ पूरी बस में। वाह, ये भी हो रहा है मेरे लिए बस चल रही है। टाइम हो रहा है 4:30। हम पहुंच चुके हैं खांडवा रेलवे स्टेशन पर। हमारी जो दिल्ली की ट्रेन है वो है 8:00 की, तो अभी तो हमारे पास टाइम है। वेटिंग रूम में चलते हैं, कुछ मूवी वगैरह देखते हैं। बैठ चुके हैं वेटिंग रूम में, यहाँ पर इंतज़ार करेंगे ट्रेन का, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। टाइम से ही पहुँच गया थोड़ा। 6:30 हो रहे हैं, अभी तो 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम है। चाय पीने का मन हो रहा था तो मैं वेटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। रात के 8:12 हो रहे हैं, 8:15 का टाइम है हमारी ट्रेन के आने का। मैं जहाँ पे हमारा डब्बा आना है B5, वहाँ पर आ गया हूँ। बस ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन आ ही गई। मैं अपनी सीट पर पहुंच गया, मैंने बैग रख दिया, भाई लोगों से सीट चेंज करी है, भाई लोग सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ट्रेन। सुबह के 9:00 रहे हैं, मथुरा जंक्शन से ट्रेन निकल चुकी है, 20 मिनट लेट चल रही है। लगभग 10:30 हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, सीधा दिल्ली मिलते हैं। टाइम हो गया है 11:45। ट्रेन पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लेट हो गई है। अब मैं फाइनली पहुंच गया हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन पर। यहाँ से बाहर जाते हैं, बहन रहती है मेरी पास में ही, पढ़ाई कर रही है, तो उससे मिलना है। उसके बाद शाम की ट्रेन है हमारी 4:00 की घर के लिए, तो उससे मिलने चलते हैं। कुछ खाते पीते हैं, बहुत भूख भी लग रही है। फाइनली हम मिल लिए, अब हम जा रहे हैं। ये हमें छोड़ने जा रहे हैं रास्ते में, सुदामा की बढ़िया वाली चाय पिलाएंगे हमें, उसके बाद हमें कर देंगे दफा। चाय तो हमने नहीं पी, हमने पिया गन्ने का जूस। यहाँ से हमने कर ली है कैब। 3:05 हो गए हैं, हमारी जो ट्रेन है 3:30 आ जाती है। अभी चांदनी चौक जाना है, हमारे को छोड़ने जा रही है हमारी बहन स्टेशन पे। कह रही है बिल्कुल ट्रेन पे बिठा के जाऊंगी, कहीं इधर उधर ना भाग जाए। ये मुस्कुराती हुई। अब चलते हैं स्टेशन पे,
पहुंच गए। हाँ वो सामने मेट्रो स्टेशन है, वो सामने अंदर ही अंदर। हाँ हम पहुंच गए हैं, हम आ गए हैं दिल्ली के ओल्ड रेलवे स्टेशन पर। मैं जा रहा हूँ इसको मेट्रो स्टेशन का गेट दिखाने के लिए, पता इसको कुछ है नहीं। तुमने अभी पूछा नहीं मेरे से गेट कहाँ पे मेट्रो का? सच बोल, मेट्रो रह रही मेट्रो। और एक बिल्कुल सामने, इधर से बिल्कुल सामने वो गेट है, आते को दिखा के लाऊं अभी टाइम है। गई है यहाँ तो तुझे थान कह रही है। हाँ देखो दिखा रहा हूँ, साढ़े तीन बजे आना था, चार बजे निकलना था, आई है 4:05 पे। ये हमारा डब्बा है C1, अंदर बैठते हैं अपनी सीट पर। मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, बहुत गर्मी थी बाहर, थोड़ा अच्छा लग रहा है अपनी सीट पर बैठकर। चार्जिंग पॉइंट है, अब देखते हैं कितनी देर में निकलती है। आधा घंटा तो लेट ही आई है, निकलने के टाइम पर आई है। टाइम हो रहा है 11:30, फाइनली हम रुद्रपुर पहुंच गए। हमारी ट्रेन जैसे पहुंचना था 9 से पहले, वो 2.5 लेट पहुंची है। अब यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड पर, देखते हैं वहाँ से बस मिलती है या नहीं मिलती है घर के लिए। हम पहुँच गए हैं बस अड्डे, आखिरी बस है जो ये देहरादून की साइड जाती है, उसी रूट पे मेरा घर आता है। तो बैठते हैं, चलते हैं घर। रात के 1 बज गए, मैं अपने घर पर आ गया हूँ, नहा धोकर फ्रेश हो गया हूँ। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है, कल से ट्रैवल कर रहा था, काफ़ी सही लग रहा है, अब आराम करेंगे। ये हमारी उज्जैन इंदौर की जो ट्रिप है वो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे किसी ऐसी नए व्लॉग में या नई सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।